I'm shaking, drinking all this coffee. What's up guys, welcome back to another vlog. तो भाई मैं अभी आ रहा हूँ अपनी एक ब्रांड मीटिंग से. अभी मेरे को जाना है दिव्या के पास. आज मेरा मकबैंग होना है और दिव्या ने आज मकबैंग के लिए बना रखा है एक फुल तंदूरी चिकन. फटाफट से चलते हैं और देखते हैं दिव्या ने कैसा बना रखा है, क्योंकि वो काफी बड़ा होने वाला है तो टिफिन में तो नहीं आएगा. तो उसने बोला है एज इट इज वो ट्रे में दे देगी और वो प्रेजेंटेशन मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी लगेगी और मैं उसे फिर अपने घर तक कैसे ले जाऊंगा. फटाफट से चलते हैं. और भाई मौसम ओहो, कल तक बारिश हो रही थी, आज भी बारिश लगी हुई थी, बट किस्मत अच्छी बारिश हुई नहीं. तो भाई अपन पहुंच चुके हैं, दिव्या का वेट कर रहे हैं. बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे आराम से. हेलो ओके, थैंक यू सो मच. तो भाई ये थी दिव्या, जो कोई नहीं जानता था, जिसने इसने नहीं देखा था. दिस इज दिव्या. अंदर से कैसे होगा चलना मेरे को भी नहीं पता, इसने फिक्स नहीं भेजी थी मुझे. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स जस्ट होप कि ये सही सलामत अभी घर तक पहुंच जाए बस. तो भाई मेरी तरफ से तो सही सलामत पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं अंदर ले जाके कैसा है. तो भाई डैडी ने भी आज रात के लिए चिकन की तैयारी कर रहे हैं. ओहो, अरे खोल के दिखाओ, निकालिए जरा. हाँ ओ तनु, सब गजब लग रहा है. तो भाई साहब मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसे ना. भाई बहुत ही ज्यादा गजब लग रहा है. ओहो, और इसमें आई बिलीव फिलिंग भी कर रखी है उसने. चखा आपने मसाला? बढ़िया, अरे गजब, मजा आ गया. तो अब तो भानु भैया को भी लेना पड़ेगा भाई, टेस्ट कर लेना आप भी. आज भानु भैया मेरे ये नाइकी डंक पहन के चले गए क्योंकि मैं बाहर था. लेकिन ये बहुत गलत काम करा. क्यों? क्योंकि कभी भी ब्रांड मिक्स नहीं करने चाहिए जो एविडेंट होता है. अरे भाई कौन सा प्यूमा नाइकी, तो मैं कौन सा किसी के वो कर रहा हूँ. जो चीज अच्छी लगी वो लेनी है. हाँ, ये ब्रांड पसंद है तो वही पहनना है. वो नहीं, प्यूमा की टी शर्ट और ये अच्छा लगा तो खरीद लिया, जूते अच्छा लगा पहन लिए. खरीद लिए जूते नहीं खरीदे, जूते क्यों नहीं बोला, खरीद लिए. अरे मेरे को पसंद. अच्छा. तो भाई अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट कोक, पूरी की पूरी क्रेट. क्रेट की ज़रूरत पड़ जाती है, दो दो तो एक ही मकबैंग में मेरी यूज हो जाती है. भाई साहब ये देखो बटर चिकन की तैयारी चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट बनी क्या? बनी हो. कलर देखो जरा, बटर डाल दिया इसमें, बेहतरीन. भाई गाड़ी सर्विसिंग के लिए देने आ रखा हूँ और हमारे मैन भाई बोल रहे हैं गाड़ी में चूहे हैं और इंजन में निशान है भाई चूहों के. चूहे के पैरों के निशान है. हाँ ये तो है. अभी तक कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, कुछ खाया तो है नहीं. भाई देहरादून का मौसम देखो, जब मैं आया था कड़ी धूप थी और देखो खतरनाक बारिश. अभी तो हल्की हो चुकी है बट खतरनाक बारिश. मन कर गया बन मक्खन खाने का आजकल, पता नहीं कि मेरा मन कर जा रहा है बन मक्खन खाने का बहुत ज़्यादा. ये होता है बन मक्खन. देहरादून का मौसम देख लो, कड़ी धूप दोबारा से, बट बढ़िया बात है. जैसी थोड़ी गर्मी हो वैसी बारिश हो जाती है, मौसम थोड़ा सही हो जाता है, उसके बाद वापस से धूप एंड क्लियर स्काई. चल फिर मिलते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत. चलो भाई फाइनली अपना काम हो गया. अभी पिछले 5 मिनट से मैं बोले जा रहा था कुछ ना कुछ, और अभी मैंने देखा कि मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया था. ये भी लगा चुके हैं, लास्ट टाइम नहीं लगाया था इन्होंने, बोल दिया था कि खत्म हो गए. कब है खत्म हो गए? सर्विस सेंटर किस बात का है? आज भी बोल रहा था खत्म हो गए और ये वाला नहीं लगा रखा था. मैंने कहा फटाफट से लाइस है और लगा. तब दो तीन ले आया वो, दो तीन के रख दिए उसने वैसे कैसे. एनीवे मैं ये बात बोल रहा था कि कल मैं दोबारा जा रहा हूँ नोएडा, क्योंकि मेरा काफी सामान नोएडा में छूट रखा है. दूसरी चीज जैसे कि मैंने बताया समथिंग बिग इज कमिंग अप, तो उसके लिए भी मेरी मीटिंग है काफी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी मुझे जाना है. ये सभी चीजें फोन में भी हो सकती हैं, बट कुछ चीजें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी और उन कामों के लिए मुझे जाना है, आई बिलीव मेरा बनता है. बाकी देहरादून का देखो सीन कुछ ऐसा है, इसके एसी फिल्टर्स चेंज होने थे, 10,000 रुपये चेंज होते हैं एसी फिल्टर के ही नहीं थे. जो चीज इज सपोज टू बी चेंज वो नहीं हुई है. तो भाई चलते हैं जरा मार्केट अपने इस अरमानी वाली घड़ी में. मुझे सेल डलवाना है इसका, कल सेल खत्म हो गया था, सेल डलवाना है. शू अगर हो गया होगा तो शू भी पिकअप कर लेंगे, और एक और चीज मुझे खरीदनी है जो जब खरीद लूंगा तो आपको बता दूंगा. कवर देखो, कवर आया मेरा कुछ ऐसा है, अगर दिख रहा होगा इसकी पिक्चर भी मैं पोस्ट करूंगा जल्द ही. दिस इज द कवर. हेलो, बेस बैट मिल जाएगा?
खेलने के पर्पस से नहीं चाहिए, गाड़ी के लिए। हाँ अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ काफ़ी, ज़्यादातर लोग इसीलिए ले आते हैं क्या? मतलब इस मटेरियल में बेस्ट अभी यही है अवेलेबल, यही जगह सही है भाई। मैं क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ अकेले, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, कुछ तो गाड़ी में होना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा लाइट वेट है, एल्यूमिनियम का है और इजीली स्विंग भी हो जाएगा, समझ रहे हो। और हाल फिलहाल टाइम हो चुका है 7:10 भाई, देखो वक्त का पता ही नहीं चल रहा, एकदम बढ़िया बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। एक साल से ऊपर हो चुका मेरी इस वॉच को, तो उसकी वारंटी वॉइड हो चुकी है, तो बैटरी पड़ रही होगी 450 कुछ की, अगर लगा दो तो भाई 429 फाइनली अपना काम हो चुका है, सेल डल चुका है बढ़िया, अपने घर ही वापस रवा रव हो चुके हैं, अब निकलते हैं फटाफट से। ये है भाई यहाँ का तिप्ति मार्केट देहरादून का। और भाई मतलब यकीन मानो बचपन में क्या स्कूल टाइम में मैंने यहाँ से इतने कपड़े खरीदे ना, मैं यहीं से शॉपिंग किया करता था अपैरल्स की, सस्ता टिकाऊ कुछ टाइम पहनो फेंको, वैसा बहुत सही से मतलब फैशनेबल चीजें मिलती हैं ना, मेन स्ट्रीम फैशन में रहता था ना वो, यहाँ बहुत जल्दी आ जाता था, मतलब फर्स्ट कॉपी लेकिन बहुत जल्दी आ जाता था। इसी के ठीक सामने उस साइड ना वो है इंदिरा मार्केट भाई, इंदिरा मार्केट है, ऐसा हाल कर रखा है इंदिरा मार्केट ने, आप कोई भी ब्रांडेड चीज का नाम लो वहाँ आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, देहरादून में आपको फर्स्ट कॉपी बहुत दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। भाई गाड़ी में यार लड़ाई हो गई कभी तो, हाँ कभी इतना रात को ट्रैवल करता था, कुछ तो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। ये रिकॉर्ड हो गया भाई, ये रिकॉर्ड हो गया, एक डेढ़ साल ही होता है। अरे यार मेरी जी शॉक में तेरे से कब से पहले से ले रहा जी शॉक है भाई, नहीं जी शॉक है वो। तो भाई नेक्स्ट डे अपने मकबैंग की तैयारी, ये है अपने पास 2 PM 2x स्पाइसी नूडल, और ये है भाई अपना दी हॉटेस्ट नूडल ऑफ नेपाल, और ये है दूसरा अपना 2 PM कोरियन रामन, दोनों ही नेपाल के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी स्पाइसी होने वाला है, बट ये इसके लिए हूँ मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा मैंने न्यूक्लियर फायर नूडल्स 2x खा रखा है, जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड का हॉटेस्ट नूडल था, तो ये नेपाल का हॉटेस्ट नूडल है, मुझे डेफिनेटली ये ट्राई करके मज़ा आएगा। और ये चिया की छोटी बहन खुशी गई थी नेपाल, तो वो वहाँ से मेरे लिए लाई है, और एक और चीज़ वो लाई है, ये चॉपस्टिक्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, इन्हीं से आज मैं खाने वाला हूँ, इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे, एक और पैन मेरे को निकालना पड़ेगा, मुझे शाम को नोएडा के लिए निकलना है, तो ये सभी काम मुझे करना पड़ेगा फटाफट, लेट्स डू इट भाई। ऐसा पैकेट आ रखा है इसके अंदर नूडल्स, और ये ऐसा पैकेट जिसमें 3 से 4 चीज़ें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कल गाड़ी सर्विसिंग से लेके आया, ये देखो जरा हालत, जबकि रूफ में पानी नहीं है और ऊपर देखो पूरा सूखा पड़ा है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ से कहीं से जा रहा हो पानी, ये देखो भाई क्या हो चुका है यार, मतलब भाई ये तो देखो बहुत ही ज्यादा गलत चीज हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा गलत चीज, मतलब मैं एक बारी को मान सकता था कि ऊपर रूफ लाइट्स हैं, बार लाइट्स, उनकी वजह से हो सकता है, बट वो काफी टाइम हो गया उन्हें लगे हुए यार, और उसके बाद इतने एक्सट्रीम वाली बारिश झेल चुकी है ना ये गाड़ी, जिसका हिसाब नहीं है, यहाँ से कहीं से लीक कर रहा है ये अभी भी, और ये देखो तालाब सा बन चुका है, और कल के बाद हो रहा है, कल आपको बताइए मैं सर्विसिंग से लेके आया गाड़ी, और ये क्या यार। और भाई एक और मूड खराब करने वाली बात तो मैं दिखाऊं, ये पानी दिख रहा है, ये पानी अंदर से है, ये जितना भी पानी अभी आपको दिख रहा है ना बाहर से नहीं है, अंदर से है, इन्होंने क्या ही रेड मारी भाई कल मेरी गाड़ी की। ये हाल तब है जब वहां मेरे जानने वाला, खास जानने वाला मेरा वहां अंदर बैठा है, वो भी एक अच्छी पोस्ट में बैठा है, जब देहरादून में जब सर्विस सेंटर वाले ऐसी हालत कर रहे हैं उन लोगों की जो जानने वाले हैं, तो अनजान लोगों के साथ क्या ही होता होगा भाई, आई एम रियली 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 पिस्ड ऑफ राइट नाउ, कि ये क्या बदतमीजी है भाई, गाड़ी के अंदर अगर साइड टू साइड पानी टपक रहा होता ना तो मैं एक बारी को मानता कि जो रूफ लाइट्स हैं उनकी वजह से कुछ हो रहा होगा, बट इधर से पानी टपक रहा है स्पेसिफिकली इस जगह से इन लाइन से, तो ऊपर रूफ लाइट्स का भी कोई पंगा है नहीं, और राइट साइड से एक आवाज़ आ रही थी अभी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके, तो भैया को भी आ रही है, भैया चेक कर रहे हैं लीक, भैया अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं कंप्लेन कर दो। तो भाई अपनी गाड़ी
वॉशिंग के लिए भेज रहे हैं लोग, देखेंगे अगर ड्रिप कर रहा होगा तो अपने हिसाब से भी वीडियो बनाएंगे। मैंने तो क्योंकि वीडियो बना रखा और भेज भी दिया इन्हें, बट वही मेरा मेन कंसर्न ये है कि चलो मान लो अगर बारिश की वजह से थार में ऐसे दिक्कत आ भी रही है तो कल जब मैंने सर्विसिंग कराई उसके बाद ही क्यों आ रही है? उससे पहले भी आपने देखा मैं पता नहीं कितनी बारिश में आया हूँ नोएडा से, यहाँ नोएडा में पता नहीं कितनी बारिश झेली है इसने, बट अचानक कल के बाद ही क्यों हो रहा है ऐसा? अब जो इनके टेक्नीशियन थे हेड, वो ये बोल रहे हैं कि आपने जो ऊपर रूफ में वो लगा रखे उसकी वजह से हो रहा होगा, जो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि रूफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। भाई 15-20 मिनट इन्होंने पानी मारा है ऊपर से, 15-20 मिनट, बट पानी अंदर ड्रिप नहीं हुआ। एनीवे वाला सोल्यूशन नहीं हो पाया, मैंने इनको वीडियो भेज दिया, इन्होंने आगे वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। चलो भाई मैं फटाफट से निकल रहा हूँ नोएडा के लिए। ओके ओके बा चलो भाई अपन निकलते हैं नोएडा के लिए, या तो मिलते हैं अब सीधा नोएडा में नेक्स्ट एपिसोड में या फिर सफर में मिल जाएंगे, जैसा भी कन्वीनियंट होगा आई विल लेट यू नो। बाकी आई बिलीव दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस। ओ बा बाबा बा I'll stop until I make you mine. Until I make you mine.